विदेशर में विश्व मलेरिया दिवस पर लोगों को क्या गया जागरूक, मलेरिया से बचाव और उसके लक्षणों की दी जानकारी। बिहार संवाददाता मोहम्मद मोनाजी की रिपोर्ट। सोमवार को विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर सीएचसी सिंहेश्वर में मलेरिया से बचाव और उसके लक्षणों की जानकारी दी और लोगों को मलेरिया से जागरूक किया। इस अवसर पर सीएचसी के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रविंद्र कुमार, डॉक्टर सचिन कुमार और दंत चिकित्सक डॉक्टर रूपा कुमारी ने विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मलेरिया के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर श्री कुमार ने बताया कि मलेरिया परजीवी कीटाणु इतने छोटे होते हैं कि उन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। ये परजीवी मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के खून में पाए जाते हैं। मलेरिया मादा एनोफिलीज जाति के मच्छर से मलेरिया का रोग फैलता है। जब संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वह अपने लार के साथ उसके रक्त में मलेरिया परजीवी को पहुँचा देता है। संक्रमित मच्छर के काटने के 10 से 12 दिनों के बाद उस व्यक्ति में मलेरिया रोग के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। मलेरिया के लक्षण बताते हुए कहा, अचानक सर्दी लगना, कपकपी लगना, ठंड के कारण रजाई कंबल ओढ़ना पड़ता है, गर्मी लगकर तेज बुखार होना, पसीना आकर बुखार कम होना, वह कमजोरी महसूस करता है। कोई भी बुखार मलेरिया हो सकता है, अतः तुरंत रक्त की जाँच कराकर उसका उपचार कराना चाहिए। डॉक्टर सचिन ने लोगों को बताया कि घर एवं घर के आसपास बने गड्ढों, नालियों, बेकार पड़े खाली डिब्बों, पानी की टंकियों, गमलों, टायर ट्यूब में पानी एकत्रित न होने दें। साथ ही जमे हुए पानी में मिट्टी के तेल की कुछ बूंदे डाल दें। उन्हें कहा सभी लोगों को सोते समय मच्छरदानी अथवा मच्छर भगाने वाली क्रीम या अगरबत्ती का प्रयोग जरूर करें तथा मलेरिया से बचाव हेतु DDT या SP स्प्रे का छिड़काव में छिड़काव कर्मियों का सहयोग प्रदान करें। मौके पर BHM पीयूष वर्धन, BCM अंजनी कुमारी, STS मोनी कुमारी, कार्यपालक सहायक ज्ञान प्रकाश, खुशबू कुमारी, BCPL प्रियंका कुमारी, ANM गीता भारती, WHO राजेश रंजन सिन्हा, CVC रुपेश कुमार, सन्नी कुमार, सोनू भारती, रामनारायण परमाणी मौजूद थे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।